Good morning students how are you i hope you all fine i am vandana shrivastava your science teacher and today we are going to start the first chapter of our book of ut1 chapter 1 sources of food in this chapter we learn how do we get the food from the plants and from the animals also and what are the functions of the food so let's start our topic We know that energy is required for any machine or an engine to work. हम हाँ सभी को पता है कि किसी भी मशीन या इंजन को वर्क करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है अवर गेट्स एनर्जी फ्रॉम बर्निंग पेट्रोल और डीजल हमारी कार को जो एनर्जी मिलती है वो पेट्रोल और डीजल की बर्निंग से मिलती है इलेक्ट्रिकल ट्रेन यूज इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू रन इलेक्ट्रिकल ट्रेन जो हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से रन करती यानी आती जाती हैं सिमिलरली लिविंग थिंग्स ऑल्सो नीड एनर्जी टू ग्रो एंड परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी सेम इसी तरीके से लिविंग थिंग्स को भी ग्रो करने के लिए और अलग अलग एक्टिविटीज करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है लिविंग थिंग्स गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड दे ईट लिविंग थिंग्स को एनर्जी कहाँ से मिलती है फूड से जो कि वो खाते हैं लिविंग थिंग्स लाइक वी प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमंस तो लिविंग थिंग्स को एनर्जी जो मिलती है वो फूड से मिलती है जो वो खाते हैं फूड इज़ द फ्यूल फॉर आवर बॉडी बिकॉज इट प्रोवाइड्स एनर्जी हमारी बॉडी के लिए जो फ्यूल है वो क्या है फूड जैसे कार के लिए फ्यूल है पेट्रोल और डीजल ऐसे ही हमारी बॉडी के लिए जो फ्यूल है वो फूड है जिससे हमें एनर्जी मिलती है सम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ फूड आर टू प्रोवाइड फूड के कुछ अलग फंक्शंस हैं जो हम फूड हमें हमारी बॉडी को देता है एनर्जी टू वर्क एंड प्ले फूड की वजह से एनर्जी मिलती है जिससे हम काम कर पाते हैं और खेल पाते हैं न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी फ़ूड से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जिससे हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है न्यूट्रिएंट्स फॉर द मेंटेनेंस एंड द रिपेयर ऑफ़ द बॉडी सेल्स एंड टिश्यूज़ इससे स्पेशल न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं जो सेल्स और टिश्यूज़ को मेंटेन रखते हैं और उनमें जो भी रिपेयरमेंट होता है उसको करते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम डिसीज़ टू कीप अस फिट एंड हेल्दी और इसके अलावा हमें डिसीज से प्रोटेक्ट करते हैं जिससे हम फिट और हेल्दी रहते हैं लाइक like जैसे हम इफ़ वी ईट हेल्दी देन वी स्टे हेल्दी अगर हम अच्छा खाएंगे तो स्वस्थ ही रहेंगे तो फूड जो है वो हमें एक प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है ना देखिए फूड वेराइटी वी ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो हम अलग अलग तरीके का फूड खाते हैं जैसा नीचे पिक्चर में दिखाया गया है क्लास सिक्स हैज़ ऑर्गेनाइज द क्लास पार्टी टूडे क्लास सिक्स के बच्चों ने एक क्लास पार्टी ऑर्गेनाइज की है इस पिक्चर में श्वेता हैज़ इडलीज़ इन हर टिफ़िन बॉक्स राहुल हैज़ सैंडविचेस निकिता हैज़ पूरीज़ एंड राजज़ स्प्राउटेड बीन सलाद ये बच्चे जो हैं श्वेता है जिसमें श्वेता जो गर्ल है उसके लंच बॉक्स में टिफिन में इडली है राहुल के लंच बॉक्स में सैंडविच है निकिता के टिफिन बॉक्स में पूरी हैं एंड राज के लंच बॉक्स में जो है सैलड है स्प्राउट सैलड है ईच स्टूडेंट हैज़ अ सरप्राइज़ फॉर द पार्टी हर स्टूडेंट के पास पार्टी के लिए ये डिशेज़ का सरप्राइज है देयर इज़ अ वाइटी ऑफ फूड आइटम्स लाइक पूरी ढोकला उपमा एंड मचमोर यहाँ पर जो है वो खाने के लिए बहुत सारी वेरायटीज़ हैं हम लोग के अलग अलग तरीके का खाना है तो पूरी ढोकला उपमा ये सब खाने की वेराइटी है दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट रॉ मटीरियल्स और ये सारी चीज़ें अलग अलग तरीके के रॉ मटीरियल से बनती हैं यानी कि अगर आपको पूरी बनाना है तो आपको पता है यूनिट वीट आपको आटे की ज़रूरत है ठीक है अगर हमें ढोकला बनाना है तो सूजी की ज़रूरत है तो अगर हम सब्ज़ी बना रहे हैं तो वो अलग सब्ज़ी दो तो वो तो, तो एक अलग ही इन्ग्रीडियंट हो गया तो ये सारे जो फ़ूड मटेरियल होते हैं ये सारी फूड वेराइटीज़ जो है वो अलग अलग रॉ मटेरियल्स से बनती हैं दे आर मेड ऑफ डिफरेंट रॉ मटेरियल्स द रॉ मटेरियल्स नीडेड टू प्रिपेयर फूड आइटम्स आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स और वो रॉ मटेरियल्स जिनसे फूड बनता है मिलकर वो क्या कहलाते हैं इन्ग्रीडियंट्स फॉर एग्जाम्पल टू कुक राइस एट होम वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल दैम इन द दाटर एग्जाम्पल मैंने बताया कि अगर राइस आपको बनाने हैं तो हमें क्या लेना रॉ राइस एंड बॉयल दैम इन वाटर दस राइस एंड वाटर आर टू इन्ग्रीडियंट्स ऑफल्ड वॉइल्ड राइस बन रहा है तो कितनी चीज़ें मिक्स हो रही हैं एक तो रॉ राइस और एक वाटर तो ये दोनों क्या हो गए इन्ग्रीडियंट्स हो गए सम फूड आइटम्स आर मेड विध मैनी इंग्रीडियंट्स कुछ फूड आइटम्स होते हैं जो बहुत सारे इंग्रीडियंट्स से मिलकर बनते हैं फॉर एग्जाम्पल टू प्रीपेयर वेजिटेबल करी वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल सॉल्ट स्पाइस एंड ऑय जैसे कि इन्होंने बताया कि अगर आपको कोई वेजिटेबल कड़ी बनानी है यानी कोई वेजिटेब रसेदार सब्जी बनानी है तो उसमें अलग अलग तरीके की वेजिटेबल सॉल्ट और अलग अलग तरीके की स्पाइसिस यानी मसाले और ऑयल यूज होता है नाउ देयर इज अ एक्टिविटी यहाँ पर एक एक्टिविटी है कि इडली रोटी या सैंडविच ढोकला बनाने में किस किस चीज़ की जरूरत होती है तो आपको बस वो लिखना है तो इसको मूव करते हैं सोर्सेज ऑफ फूड हैव यू एवर वेयर डू द इंग्रेडिएंट्स ऑफ वेरियस डिशेस कम फ्रॉम हमने क्या आपने कभी सोचा है कि जो हम अलग अलग तरीके की डिशेस बनाते हैं उनमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं वो कहाँ से आते हैं व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ राइस राइस कहाँ से आता है प्लांट ऑफ कोर्स राइस जो है वो हमें कहाँ से मिलते हैं प्लांट्स से वेयर डज मिल्क कम फ्रॉम फ्रॉम एनिमल्स मिल्क कहाँ से मिलता है एनिमल्स से मिलता है फूड फ्रॉम प्लांट्स अब वो फूड सोर्सेज जो हमें प्लांट्स से मिलते हैं द ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो अपना जो फूड बनाते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और क्लोरोफिल की हेल्प से सनलाइट के प्रेजेंस में बनाते हैं दस ग्रीन प्लांट्स आर नोन एज प्रोड्यूसर्स इसलिए ग्रीन प्लांट्स क्या कहलाते हैं प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं क्योंकि वो जो फूड देखिए वो अपने लिए फूड बनाते हैं तो उसमें हमें बहुत सारे बेनिफिट हैं उससे हमें ऑक्सीजन मिलती है जब वो फूड बनाते हैं प्लस जब वो ग्रो करते हैं तो उनके ऊपर फ्रूट निकलता है या लीव निकलती है या स्टेम निकलता है तो वो सारी चीज़ें हम लोग खाते हैं तो जैसे प्लांट ग्रो करते हैं तो उनके ग्रो होने से हमें बहुत सारे बेनिफिट होते हैं तो ग्रीन प्लांट्स क्या कहलाएंगे प्रोड्यूसर्स दे प्रिपेयर मोर फूड देन दे एक्चुअली रिक्वायर वो ज़्यादा फूड बनाते हैं जिस जितनी उनको ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा ही फ़ूड बनाते हैं दे स्टोर द एक्स्ट्रा फ़ूड इन दियर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स वो वो जो एक्स्ट्रा फ़ूड होता है उनका वो अपने अलग अलग बॉडी पार्ट्स में स्टोर करके रखते हैं दीज स्टोर्ड फ़ूड मटेरियल्स ऑफ प्लांट्स आर यूज बाई अस एज फूड और ये स्टोर मटेरियल जो होता है ये हम लोग बाद में यूज़ करते हैं वी गेट मेजर पार्ट्स ऑफ अवर फूड फ्राम द ग्रीन प्लांट्स वी गेट सीरियल्स पल्सिस वेजिटेबल्स फ्रूट्स स्पाइसिस ऑयल शुगर एंड विवेजर्स फ्राम द प्लांट्स हमें अलग अलग तरीके के फूड जो फूड सोर्स हैं वो प्लांट्स से मिलते हैं जैसे सीरियल्स पल्सिस वेजिटेबल्स फ्रूट स्पाइसिस ऑयल शुगर और विवेजर्स ठीक है वेरियस पार्ट ऑफ प्लाट्स सच एज रूट स्टेम लीज फ्लावर्स फ्रूट्स एंड सीड्स आर यूज बाई अस और हर हर प्लांट का अलग अलग पार्ट हम यूज़ करते हैं खाते हैं जैसे कि अगर आपका स्पेनिश है यानी कि पालक तो उसकी हम लीव्स खाते हैं पत्तियाँ अगर आपका पोटैटो है तो उसका हम स्टेम खाते हैं वही तो पोटैटो होता है पोटैटो प्लांट का अगर आपका एप्पल प्लांट है तो हम उसका एप्पल खाते हैं इसको फ्रूट खाते हैं तो इस तरीके से अलग अलग चीज़ें हम अलग अलग प्लांट्स की यूज़ करते हैं यहाँ पर एक टेबल दी गई है कि रूट्स देखिए हम किस किस और ये देखो द पार्ट्स ऑफ़ द प्लांट विच कैन बी eaten इन आर कॉल्ड इडिबल पार्ट किसी भी प्लांट का वो पार्ट जो खाया जा सकता है वो क्या कहलाता है इडिबल पार्ट कहलाता है जैसे आप फ्लावर्स हैं फ्लावर्स में तो हम कुछ नहीं खाते हैं ना तो फ्लावर्स में इडिबल पार्ट मोस्टली नहीं है फ्लावर्स तो में तो हम कुछ नहीं खा सकते ना ना फ्रूट खाते हैं ना लीव्स खाते हैं ना स्टेम खाते हैं तो फ्लावर्स जो है वो एडिबल नहीं हो अब देखिए रूट्स रूट्स किस किस प्लांट की इडिबल होती है यानी किस किस प्लांट्स की हम लोग रूट खा सकते हैं कैरेट रेडिश टर्प स्वीट पोटैटो इसके बाद स्टेम्स इस किस किस का खाते हैं शुगर केन अनियन जिंजर पोटैटो लीव्स किस किस की खाते हैं मिंट स्पेनिच कैबिज फ्लावर कॉलीफ्लावर फ्लावर बनाना फ्लावर ब्रोकली पंपकिन फ्लावर फ्रूट्स किसका खाते हैं एप्पल गुआवा मैंगो ग्रास वेजिटेबल्स बीन्स कोकम्बर ब्रिंजल पीस सीड्स किसकी खाते हैं व्हीट राइस किडनी बीन्स क्यूमिन नट्स कीश्यूनटलमंडस वॉलट्स और ग्राउंड नट्स ये वो पार्ट्स हैं प्लांट्स के जो हमारे लिए इडिबिल होते हैं और किस किस प्लांट का कौन कौन सा पार्ट इडिबिल होता है ये वो टेबल बनाई गई है अब नीचे जो एक्टिविटी दी गई है इसमें हमें प्लांट के नेम दिए गए हैं और उनके इडिबिल पार्ट लिखने हैं तो आपको ये नहीं करना है बट हमने आपको समझा दिया है अब देखिए स्प्राउटिंग ऑफ सीड्स क्या होता है जब भी किसी सीड को हम स्प्राउट करते हैं तो उससे हमें ज़्यादा वाइटमिन मिलते हैं जब सीड वाटर की हेल्प में जर्मिनेट हो जाते हैं और उनसे एक वाइट स्ट्रक्चर निकलता है तो वो स्प्राउटेड सीड कहलाते हैं जैसे स्प्राउटेड सीड हैं तो सीड्स को स्प्राउट करने का बहुत इजी मेथड है आप किसी भी तरीके के स्प्रीड्स ले सकते हैं इन्होंने एक्टिविटी में मूंग डाल लिया है मूंग का सीड्स लिया है आपको क्या करना है एक बाउल में मूंग को फिल करना है और उसमें वाटर ऊपर तक फिल कर देना है और उसको वन नाइट के लिए आपको छोड़ देना है उसके बाद नेक्स्ट डे आप उसका वाटर ड्रेन कर देंगे यानी पानी निकाल देंगे और जो सीड्स बचेंगे उनको आप एक कॉटन क्लॉथ से सुखा लेंगे पोछ लेंगे तो वो जो सीड्स होंगे आप देखेंगे उनमें एक वाइट कलर का स्ट्रक्चर निकलेगा इस तरीके का तो वो स्प्राउट सीड कहलाएंगे हाउ फूड फ्रॉम एनिमल्स वी गेट फूड आइटम्स लाइक मिल्क एग मीट एंड हनी फ्रॉम एनिमल्स हमें जो है फूड आइटम्स मिल्क है एग मीट हनी यह सब एनिमल्स से मिलता है मिल्क वी गेट मिल्क फ्रॉम काउ बफेलो मिल्क सभी को पता है किससे मिलता है एंड गोट्स मिल्क इज़ यूज टू प्रिपेयर बटर चीज़ घी कर्ड आइसक्रीम मिल्क इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए यूज़ करते हैं मिल्क से बटर बनता है चीज़ बनता है घी बनता है कर्ड बनता है आइसक्रीम बनती है नेक्स्ट है एग्स वी गेट एग्स फ्रॉम हैंड टर्कीज़ एंड डक्स हमें जो एग्स हैं वो इनसे मिलते हैं एग्स आर अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स एंड वैटामिन एग्स जो हैं वो प्रोटीन्स और वैटामस का रिच सोर्स है फिर मीट वी गेट मीट फ्रॉम हैंड्स डक गॉट एंड फिश हमें हैंड डक और गोट और फिश से मीच मिलता है नेक्स्ट हनी वी गेट हनी फ्रॉम हनी बीज हमें जो हनी है वो हनी बीज से मिलता है इट इज़ अ टेस्टी एंड न्यूट्रिय फूड आइटम एंड इज यूज टू मेक आयुर्वेदिक मेडिसन ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिय और टेस्टी होता है स्वीट होता है और इसका इस्तेमाल आयुर्वेदिक मेडिसन में किया जाता है डू यू नो हाउ इज़ हनी प्रोड्यूस क्या आपको पता है हनी कैसे बनाया जाता है हनी बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स कन्वर्ट इन टू हनी एंड स्टोर इट इन दियर हाइव हनी बीज जो होती हैं वो फ्लावर्स का जो यानी जो फ्लावर्स होते हैं उनका नेक्टर यानी जूस स्वीट जूस इकट्ठा करती हैं फ्लावर्स से शक करती हैं और बाद में उसको कन्वर्ट करती हैं हनी में और फिर अपनी हाइज में स्टोर करती हैं द रियरिंग ऑफ हनी बीज ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड एप्रीकल्चर हनी बीज को द रियरिंग यानी पालना एक बड़े स्तर पर ताकि हम हनी पा सकें वो क्या कहलाता है एपीकल्चर हनी बीज आर इन एपेडिज फॉर रियरिंग हनी बीज को जब पाला जाता है यानी उनकी रियरिंग की जाती है तो उन्हें एपेडिज में रखा जाता है वॉट एनिमल्स ईट एनिमल्स क्या खाते हैं डू यू हैव अ पेट और डॉग और कैट क्या आपके पास कोई डॉग या कैट है जो पेट हो आपकी यानी आपने पाली हो इफ़ यस देन यू विल श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड अगर है तो आप को पता होगा कि वो क्या खाता है या क्या खाती है दीज एनिमल ईट दे ईट मिल्क ब्रेड चपाती और मीट ये जो है डॉग है या कैट है ये यूजली घर में जो कुछ भी बनता है लाइक ई मिल्क है ब्रेड है चपाती है मीट है ये वो सब खा लेते हैं कैन यू टेल वॉट अदर एनिमल्स ईट क्या आप बता सकते हैं और बाकी दूसरे एनिमल्स क्या खाते हैं